यहां पर बड़े बड़े व्यापारियों का पेट तो भर गया, पेट भर के पेट फूल भी गया, लेकिन यहां का लोग का पेट चिपकता चला गया, चिपकता चला गया। भी बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिला, विकलांग और परित्यागता महिलाओं को पेंशन देना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से ला ला करके उनके घरों को पहुंचाते थे, एक भी मजदूर को हम भूखा नहीं मरने दिए। हम लोग उन लोगों में से नहीं जो काम नहीं करते हैं लेकिन ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीट। पांचवी छठी पास करने के बाद माँ बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगे। वक्त आएंगे जहां पदाधिकारी आपके दरवाजे जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हमारे विपक्षियों के 20 साल 23 साल के सरकार में लोग भूखा मरा। अब हम लोग अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने पैर पर खड़ा करेंगे, तब शादी ब्याह कराएंगे। हमारे गरीबों का राशन कार्ड, इन लोगों ने लगभग 11 लाख राशन कार्ड गरीबों का नाम हटा दिया। लड़कों के लिए भी कोई भी पढ़ाई करना हो उसका पूरा का पूरा सरकार खर्च वहन करेगी। इसका हम जो कोचिंग आप करने की तैयारी करेंगे उस कोचिंग का भी पैसा हम देंगे। ये कानून हमने आपके लिए बना दिया के पढ़िए, आपके पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। आप यहां पढ़ना चाहते हैं, यहां भारत वर्ष के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। विदेश में भी पढ़ने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो उसका भी 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार देगी। भारत का पहला ये राज है जहां आपने बच्चों को, राज्य के बच्चों को, आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप दे रहा। ये देश का पहला राज है जहां इस राज का सभी बुजुर्ग को पेंशन देता। उसी को ध्यान में रखकर जो कभी इस राज के लोगों ने सोचा नहीं था वो सारे कार्य आज हो रहे हैं। कई ऐसे लोग गांव के हमारे ऐसे हैं आज के दिन में जिन लोगों ने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा था, जिला कार्यालय तो दूर की बात है। आपकी सरकार ने आपके पंचायत में, आपके गांव में सरकार आपके द्वार के माध्यम से बड़ा बड़ा टेंट लगा लगा करके पदाधिकारी को भेजकर आपकी समस्याओं को जानने का काम किया था। अभी कई ऐसे वक्त आएंगे जहां पदाधिकारी आपके दरवाजे जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज उस कैंप के माध्यम से, सरकार आपके द्वार के माध्यम से आज हमने इस राज्य के सभी बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिला, विकलांग और परित्यागता महिलाओं को पेंशन देना प्रारंभ कर दिया। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं बचा जो बिना पेंशन का होगा। हमारी बातें हम नहीं चाहते, हम लोग उन लोगों में से नहीं जो काम नहीं करते हैं लेकिन ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटते हैं। हम लोग का काम बोलता है। आज सावित्री भाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से हम इस राज्य के हर बच्चियों को, किशोरी बच्चियों को जोड़ रहे हैं जिससे हमारे इस राज्य की लड़कियां पैसे के अभाव में स्कूल कॉलेज छोड़ देती हैं और पांचवी छठी पास करने के बाद मां बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। लेकिन अब नहीं,
अब हम लोग अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने पैर पर खड़ा करेंगे, तब शादी ब्याह कराएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।